इत्रिये साहब, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है? आप तो वकील के पास गए थे ना, क्या बताया उसने, क्या कहा? सब बेड़ा गर्क कर दिया, सब उलट पुलट हो गया। क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ है? वकार ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अरीज के नाम कर दिया था। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। वकार मर गया, अरीज गुम हो गई, तो कानूनी इख्तियार मेरे पास आ गया था, इसलिए मैंने सारे इख्तियार सलमान को दे दिए थे। इद्रीस, ये सब तो हमें मालूम है, अभी क्या हुआ ये बताएं। अब उस सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की असल हकदार आ गई है, वो अपना हक हमसे लेगी। ऐसे कैसे ले लेगी? नहीं देंगे तो कानूनी तौर पे ले लेगी, उसका केस मजबूत है, वो वकार की बेटी है। क्या मुसीबत है, अब क्या करेंगे? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूंगा। मुसर्रत, मैं तुम्हें और बच्चों को कैसे भूल सकता हूँ, बस काम की मसरूफियत है, चक्कर लगाऊंगा ना। हाँ अच्छा सुनो, कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलो शायस्ता, क्या बात है? रुक जाई थी, अपना हक जिताने के लिए। कैसा हक? वो इस सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है। कोर्ट की धमकी देके गई है मुझे। बस इद्रीस, मैं बता रही हूं आपको, ये सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अब हमारे हाथ से जाने वाला है। कुछ नहीं जाएगा कहीं भी, अब क्या करेंगे? वही जो मैंने सोचा था, आखिरी हद। अब लगता है उसी में अमल करना पड़ेगा। देख लिया ना, देख लिया किस तरह से ये जादूगरनी सारे माहौल पे कब्जा कर रही है। हाँ देख रहा हूँ। सिर्फ देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। शायस्ता, हम बेमकसद दीवार पे सर फोड़ के उसको कोशिश करार नहीं दे सकते। हमें दीवार गिराने की तदबीर करनी होगी। नहीं इद्रीस, मेरी बात गौर से सुने आप, हम ये बात मानेंगे ही नहीं कि वो वकार की बेटी है। कह देंगे कि फ्रॉड है, जायदाद बिजनेस पे कब्जा करने के लिए झूठ बोल रही है। क्या बात कर रही हो शायस्ता, आजकल डीएनए से फौरन पता चल जाता है, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। सास नहीं है वो, मेरी माँ है। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जान चुकी हूँ।
सो अब जाओ फौरन और जाके सलमान को और मेहरीन को बता दो। जाओ। हाँ जरूर बताऊंगी, लेकिन वक्त आने पे, और बल्कि पूरे शहर को बताऊंगी। लेकिन अभी जो बात बताने वाली है ना, स्पेशली आपके लिए, वो ये है, पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान अहम होता है, रिश्ते मुकद्दस होते हैं, एहसास जरूरी होता है। ये बिजनेस, प्रॉपर्टी, जायदाद, इस सब की मालिक मैं हूं, और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूं। तो आपको मशवरा है, इसके ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। सिर्फ मेरे कोर्ट जाने की देर है। आपका 25 साल का प्लान किया हुआ गेम मिनटों में तबाह कर दूंगी। तो मेरी इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि मेरे शौहर मेरी माँ और मेरी बच्ची की जिंदगी से दूर रहे, इसी में आपकी बेहतरी है। आखिरी हल, अब लगता है उसी में अमल करना पड़ेगा। आखिरी हल? क्या चल रहा है त्रिश के दिमाग में? क्या सोचा हुआ है उन्होंने?